अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असनैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल असनैन यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नोटपैड को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक एडिटर होता है आप पीसी या लैपटॉप में, उसको कैसे हम एज अ डायरी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के जब भी मैं उसको ओपन करूँगा उस टेक्स्ट फाइल को, तो ऐटोमेटिकली उसके साथ साथ डेट भी ऐड होती आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नोटपैड को ओपन कर लेना है। नोटपैड को ओपन करने के बाद जस्ट एक वर्ड्स आपने लिखना है, डॉट लॉग, और ये कैपिटल में वर्ड्स में लिखना है, और इसको सेव कर लेना है। फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसको हम सेव कर लेते हैं लॉग के नाम से, लॉग डॉट txt, जो इसकी एक्सटेंशन हमने देनी है वो txt मींस के टेक्स्ट, और एक्सटेंशन देने के बाद इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करता हूँ, देखते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया है वो फुलफिल होता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। ये देखें, हमारे पास टाइम के साथ साथ डेट भी लिख चुकी है कि किस टाइम से कौन से टाइम पे हमने इसको ओपन किया है और डेट क्या थी। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, एज अ डायरी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, और अब इसमें को मैं सेव करके फिर क्लोज कर देता हूँ। दोबारा फिर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखते हैं कि दोबारा आगे ये डेट लिखता है या नहीं, डेट और टाइम लिखता है या नहीं। आइए देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये देखें, उसने फिर लिख दिया है डेट और टाइम दोबारा, जिस टाइम पे मैंने उसको ओपन किया है। तो इसको जब भी आप ओपन करेंगे उस और क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर आप जब ओपन करेंगे तो वही टाइम और वही डेट और वही मंथ और वही ईयर लिखेगा जिस पे आप ओपन इसको करेंगे। तो इसको आप एज अ डायरी यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको टाइम डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।